डिस्कस करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। और इसको समझने के लिए फैराडे ने, माइकल फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसको भी हम लोग देखेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ये शब्द आया है प्रेरण, यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और इसी से समझा जाए तो इस पूरे विषय वस्तु की जो रूपरेखा है वो आपकी क्लियर हो सकती है। प्रेरण का मतलब होता है किसी चीज को प्रेरित करना, ठीक है। मतलब कि अगर किसी वस्तु की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से कोई चीज कुछ अपने अपने जीवन में या कुछ किसी तरह का कोई बदलाव ले आती है, तो उसी को हम कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है दूसरे के लिए क्या थी, प्रेरण का कार्य की है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास होगा एक चुंबक, और उस चुंबक के कारण जो है कहीं पर जैसे आपका कोई कुंडली है उसमें करंट फ्लो होने की या ना होने की घटनाएं हो सकती हैं, तो उस मतलब चुंबक के कारण ही वो चीज प्रेरित हो रही है, इस वजह से हम इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। अब इस घटना को हम देख लेते हैं क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो अब ऐसे कहेंगे कि इसकी परिभाषा पहले क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना, जब किसी परिपथ अर्थात हमारे पास कोई एक परिपथ होगा और वो पूरी तरीके से क्लोज्ड लूप होगा, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, अथवा आप ऐसे कह सकते हैं कि परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक कार्य करता रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, तो और जो धारा उत्पन्न होती है इस दौरान उसको प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज समझ गए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है। मतलब कुंडली पर कार्य करने लगता है एक बल जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जो कुंडली में करंट फ्लो होने लगती है, अभी करंट कैसे फ्लो होने लगती है वो भी मैं आपको इधर सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए यही चीज कि जैसे जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक बल कार्य करने लगता है, परिपथ में एक बल कार्य करने लगता है जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसमें और उसमें जो करंट फ्लो होती है उस समय उसको प्रेरित धारा कहते हैं, यानी उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। अब चलिए इसको समझने के लिए कि क्या है प्रेरित धारा और क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल और क्यों ये होते हैं उत्पन्न, उसके लिए हम ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसमें किया क्या गया है, एक सिंपल सी कुंडली ली गई है, आप देख रहे हो ये कुंडली ली गई है, और उसको एक गैल्वेनोमीटर मतलब कुंडली को ऐसे घुमाने के बाद में उसके दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से यानी धारा मापी से जोड़ दिया गया है, ठीक। दूसरी चीज है दोनों चीजें सेम है, हमें और एक क्या करना है, बार मैग्नेट लेना है मतलब क्षण चुंबक या दंड चुंबक लेना है और उसको इस तरह से व्यवस्थित कर लेना है, ठीक। अब हम करेंगे क्या कि प्रारंभ में एक चुंबक जो हमारे पास रहेगा उसको हम कुंडली के पास लेकर आएंगे, कुंडली के पास जैसे ही लेकर आएंगे मतलब झटके से लेकर आएंगे, तेजी से कुंडली के पास लेकर आएंगे, तो क्या होगा कि ये कुंडली क्षण भर के लिए मतलब एक क्षणिक समय के लिए क्या हो जाएगी, वो थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, समझ रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा यानी विक्षेप आ जाएगा, और आपको पता है कि अगर धारा मापी की सुई में कहीं पर भी विक्षेप आता है तो इसके पीछे एक ही फैक्टर है कि करंट कुंडली में फ्लो हो रही है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं करंट इसमें फ्लो हुआ है तभी इसमें डिफ्लेक्शन होगा, वरना डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, मतलब इसमें विक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम कुंडली मतलब ये बार मैग्नेट यहाँ पे लेके आते हैं और उसके बाद में अगर हम रुके रहते हैं तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन फिर जो है जब हम इसको इधर लेकर जाने लगते हैं मतलब इससे दूसरे चित्र में आ जाएंगे, दूसरा चित्र क्या है, जब हम इस बार मैग्नेट को इस कुंडली से दूर लेकर जाते हैं तो फिर एक बार चुंबकीय सुई जो है यहाँ पर सॉरी गैल्वेनोमीटर जो है आपका उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में इसमें डिफ्लेक्शन होता है। आप देखिए सुई भी मैंने इस तरह से दिखाई है, जब पहले करंट इधर फ्लो हो रहा था तो इस तरह से, और फिर इसमें करंट इस दिशा में फ्लो होने लगता है तो इस तरह से। अब इस हम समझते हैं पहले कि ये जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं। पहली बात तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, जो चीज मैंने बताया कि चुंबक को मैं लेकर आया तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, दूर लेकर जाने लगा तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन मैं इस चुंबक को इसके पास में लेकर के ऐसे खड़ा रहा या इसको इसके पास में रोके रहा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। यानी एक निष्कर्ष हम यहाँ से जरूर निकाल सकते हैं कि अगर
चुंबक गति करता रहता है तो ही इसमें करंट फ्लो होती है, वरना करंट नहीं फ्लो होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में दूसरी चीज है कि इसमें करंट क्यों फ्लो होती है, तो यही चीज, यही जो घटना हुई, मतलब ये चुंबक लेकर आए इसके पास, यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही की घटना ही होती है, समझ रहे हो ना। और ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो आपका प्रेरित धारा है, यानी ये करंट है आपका, जो करंट है उसको प्रेरित धारा कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है, यहाँ पर समझते हैं कि कैसे इसमें डिफ्लेक्शन होता है और क्या चीज होती है। वास्तव में क्या है कि चुंबक जब इसके पास लेकर आया जाता है तो कुंडली जो है वो इसकी गति का विरोध करती है। कुंडली दोनों ही स्थितियों में क्या करती है, चुंबक की गति का विरोध करती है, यानी ये चाहती है कि कुंडली में गति, चुंबक में गति ना हो, और इसी के लिए वो क्या करती है कि अपने आप को इसी चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इस तरह से एक चुंबक बनाती है, इस कुंडली को भी एक चुंबक बनाती है जो इसकी गति का विरोध करे। चुंबक कुंडली को भी एक चुंबक बना देती है, इस तरह से बना देती है कि वो इसकी गति का विरोध करे। और गति का विरोध कैसे करेगा, अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर किसी तरह से अगर नॉर्थ पोल हो जाए तो यहाँ पे ये चुंबक की गति का विरोध करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाता है। नॉर्थ पोल बनाने के लिए क्या करती है कि ये सर्किट में, मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, और वो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगता है। और आपको पता है कि अगर कहीं पर करंट किसी लूप को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक टांग दिया जाए और उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है, तो उस स्थिति में वो मतलब वो सिरा या वो लूप जो है नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। तो ये चीज आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के जैसा ये व्यवहार करेगा। और जैसे ही सोचिए, जैसे ही ये उत्तरी ध्रुव हुआ, और पहले से ऑलरेडी चुंबक का उत्तरी ध्रुव ही तुम इधर ला रहे थे, तो दोनों ध्रुव जब समान ध्रुव एक साथ लाए जाते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। यानी मैंने जो बात आपको बोली वो बात यहाँ से सिद्ध भी हो रही है कि ये कुंडली इस चुंबक की गति का विरोध करती है। विरोध कैसे करेगी, जिधर जो पोल यहाँ पर रहेगा वही पोल ये अपने आप को बनाने की, मतलब मान लीजिए आप इस कुंडली का साउथ पोल इसके पास लेकर आते, कुंडली का मतलब सॉरी जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल लेकर आते, तो ये कुंडली क्या करती, यहाँ पर साउथ पोल बना लेती, समझ रहे हो ना, यहाँ पे साउथ पोल बना लेती। और उसके बाद में आप इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पे, यहाँ वाले में क्या हो गया है, अब देखिए जब हम जो बार मैग्नेट था उसको हम रोके नहीं रखे, मतलब जब तक रोके रहे तब तक कोई करंट नहीं फ्लो रहा, लेकिन उसके बाद में फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, इससे दूर लेकर जा रहे हैं। तो जैसे ही दूर लेकर जाने लगते हैं फिर इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी इसमें फिर से कहीं ना कहीं करंट फ्लो हुई। लेकिन एक चीज यहाँ से क्लियर होता है कि करंट जो फ्लो हो रही थी वो विपरीत दिशा में फ्लो हो रही है, यानी इसका मतलब ये जरूर हो गया कि जब पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही थी, अब यानी करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो वो आपका साउथ पोल होता है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साउथ पोल। अब यहाँ पर फिर से देखिए, जैसे ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल है, अब इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब फिर कुंडली जो है इसकी गति का विरोध करती है, और गति का विरोध कैसे करती है कि भैया एक बार अगर आ गए हो तो दोबारा मुझसे दूर मत जाओ, मतलब इसको अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहती है। और उसके लिए वो करती क्या है, उसके लिए ये अपने आप को साउथ पोल बना लेती है। साउथ पोल बना लेगी तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और उसको वो रोकेगी कि तुम इधर यहाँ से दूर मत जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप फिर देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लग रहा था, यहाँ पे आपका प्रतिकर्षण बल लग रहा था, यानी रिपल्सन लग रहा था, यहाँ पे आपका प्रतिकर्षण बल लग रहा था, तो यहाँ पर लगेगा आपका आकर्षण, यहाँ पर लगेगा प्रतिकर्षण। तो ये दोनों चीजों से, दोनों एक्सपेरिमेंट से हमारा बस इतना ही चीज क्लियर होता है कि पहली बात तो चुंबक की गति के कारण ही करंट फ्लो होती है ना, चुंबक की गति के कारण ही करंट फ्लो होती है। और दूसरा चीज, अगर चुंबक ला करके यहाँ पर रुका रहेगा तो कुंडली में या धारा मापी में, जो आपका यहाँ पे धारा मापी है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, यानी कोई भी शेप नहीं होता है कुंडली, ये अगर चुंबक आपका यहाँ रुका रहेगा इसमें कोई भी शेप नहीं रहेगा, चुंबक गति करेगा तो ही आपका जो है इसमें विक्षेप होता है। जब तक गति करता रहता है तब तक करंट फ्लो होती है, और इसी सिद्धांत पर आपके जनरेटर या मोटर ये सारी चीजें आपकी बनाई गई हैं। क्योंकि आप देखो फ्लक्स, अब आगे आगे हम जब समझेंगे, तो जब अभी मैंने लास्ट की वीडियो में देखा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होता है,
वो क्या चीज है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की एक तरह से माप होती है। तो यहाँ पे जब हम चुंबक इसके पास लेकर आते हैं ना, चुंबक इसके पास में लेकर आते हैं, तो वास्तव में होता क्या है कि यहाँ पे जो कुंडली से होकर गुजरने वाले फ्लक्स हैं, कुंडली से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या है वो लगातार वैरी करती रहती है। देखिए जब ये दूर रहेगा तो फ्लक्स की संख्या कम इसमें से होकर गुजरेगी, और जब पास में लेकर आएंगे तो फ्लक्स संख्या ज्यादा गुजरेगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबक की गति होती है, तो चुंबक की गति होने के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स है वो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के कारण ही करंट फ्लो होती है। ये जरूरी नहीं है कि चुंबक हम मिला करके यहाँ रख दिया बस करंट फ्लो होने लगेगा, उसके लिए जरूरी ये है कि फ्लक्स में परिवर्तन हो, और फ्लक्स में परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम इसको चुंबक को गति कराएं। कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही गति कराएंगे तभी होगा, आप ऊपर नीचे भी गति करा सकते हो, मतलब किसी भी तरह से बस चुंबक को इधर हिलाते डुलाते रहो, इस सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। और इसी सिद्धांत पर आपका क्या काम करता है, जनरेटर। जनरेटर का समझ लीजिए ये बेसिक है, और फैराडे नजरिया सीआरई सारी चीजें आप कह सकते हो 1831 में खोजी थी, तो काफी महत्वपूर्ण उस समय की डिस्कवरी थी, और समझ लीजिए ये एक रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब क्रांतिकारी चीज हो गई थी, समझ रहे हैं।